नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस क्लास में हम जून 2024 का जो राजस्थान करंट अफेयर्स है उसको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी। कौन बने हैं? गंगाराम मूलचंदानी बने हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं गंगाराम मूलचंदानी। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले प्रश्न में देखते हैं राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी किन्हें नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान के जो नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं वो बने हैं नवीन महाजन। कौन? नवीन महाजन बने हैं राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन अधिकारी अलग अलग चीज होती है। ठीक है, तो निर्वाचन मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं, कौन बने हैं? वो बने हैं नवीन महाजन। नेक्स्ट हम देखते हैं 2024 का बाल साहित्य पुरस्कार किन्हें दिया गया है। प्रहलाद सिंह जोरडा जो कि नागौर के हैं, उनको उनकी रचना म्हारी ढाणी के लिए 2024 का बाल साहित्यकार पुरस्कार दिया गया है। किनको दिया गया है? प्रहलाद सिंह जोरडा जो कि कहाँ है? नागौर के है और उनकी रचना क्या है? म्हारी ढाणी। उसके लिए उन्हें 2024 का बाल साहित्यकार पुरस्कार दिया गया है प्रहलाद सिंह जोरडा को जो कि नागौर के है। आगे हम देखते हैं 2024 का युवा साहित्यकार पुरस्कार किन्हें दिया गया है। तो 2024 का युवा साहित्यकार पुरस्कार दिया गया है सोनाली सुथार जो कि बीकानेर की है, उनको उनकी रचना शुद्ध सौंदु जग आंगणे, क्या है? शुद्ध सौंदु जग आंगणे, उसके लिए पुरस्कार दिया गया है सोनाली सुथार को जो कि बीकानेर की है। कौन सा पुरस्कार है? युवा साहित्यकार पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है कि राजस्थान की किस महिला नेता को वुमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाएगा। तो वुमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाएगा, वो दिया जाएगा दिया कुमारी को। नेक्स्ट हम देखते हैं 18वीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान के बारे में देखते हैं। तो राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है? 25 सीटें हैं। जबकि जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें से 25 सीटों में से 14 सीटें तो कौन जीते? बीजेपी। 8 सीटें जीती थी कांग्रेस, 1 सीट जीती है भारतीय आदिवासी पार्टी, 1 सीट जीती है आरएलपी और 1 सीट जीती है कम्युनिस्ट पार्टी या सीपीएम। ठीक है, ये जीती है। अब हम देखते हैं राजस्थान में जो 6 विधायक है एमएलए, जो एमएलए के पद पे थे और उन्होंने क्या लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तो उसमें 6 में से 5 एमएलए क्या हुए? जी विधानसभा क्या है? वो सांसद बन गए। ठीक है, तो विधानसभा के कितने? 6 विधायक वो क्या बन चुके हैं? सांसद बन चुके हैं। उसमें 6 विधायकों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था जिसमें से कि 5 जो भूतपूर्व विधायक थे वो अब क्या बन चुके हैं? सांसद बन चुके हैं। ठीक है, तो कौन कौन से विधायक थे जो कि लोकसभा का चुनाव जीत करके सांसद बने? वो 5 सांसद है, वो है, एक तो है मुरारी लाल मीना, दूसरे है हरीश मीना, तीसरे है राजकुमार रोत, फिर है ब्रजेंद्र ओलिया। ठीक है, तो 5 विधायक है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में कितनी महिलाएं लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनी है। तो राजस्थान की कितनी महिलाएं हैं जो कि लोकसभा का चुनाव जीत करके सांसद बनी है? वो है 3 महिला, एक तो है मंजू शर्मा, फिर है महिमा सिंह, संजना जाटव। ये 3 महिला है जो कि लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बनी है। तो राजस्थान से जो सांसद कितनी महिलाएं हैं वो है 3 महिलाएं, एक तो है मंजू शर्मा, दूसरी महिमा सिंह और तीसरी संजना जाटव। ये 3 महिला है जो कि लोकसभा का चुनाव जीत करके क्या बनी है? सांसद बनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के कितने सांसदों को मंत्रिपरिषद में स्थान मिला है। तो 4 सांसदों को मंत्रिपरिषद में स्थान मिला है, वो कौन कौन से है? पहले है गजेंद्र सिंह शेखावत, दूसरा भूपेंद्र यादव, तीसरे अर्जुन लाल मेघवाल और चौथे है भागीरथ चौधरी। इनको क्या केंद्रीय मंत्रिपरिषद में स्थान मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे बनेगा। तो दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर बनेगा सोरसन बारा में, जबकि पहला कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि बीकानेर के पूकल तथा छत्तरगढ़ में, फलोदी के बड़ला में तथा जैसलमेर के बोडाना, इन स्थानों पर क्या स्थापित किए जाएंगे? सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो पूगल व छत्तरगढ़ कहाँ है? बीकानेर में, बड़ला कहाँ है? फलोदी में, और बोडाना कहाँ है? जैसलमेर में। यहाँ पे क्या स्थापित किए जाएंगे? सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि
राजस्थान में टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे बनेगा, तो टेक्सटाइल पार्क बनेगा वो बनेगा भीलवाड़ा में, बनेगा टेक्सटाइल पार्क।